तो ये देखिए नजारा अदू। हेलो डॉक्टर साहिबा, अब कितने पैसे दे के पहले खाने के, ये बताओ। एक्सपेक्टेशन बताइए कि पहाड़ पे आपको। सो हे व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। तो अब सबसे पहले तो दिन बता देते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 24 और टाइम हो रहा है 9:30। तो सबसे पहले कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो गुड इवनिंग फ्रेंड, नमस्ते आदाब सत्यकाल एंड केम जो दिस हॉस्टल तो मानिक बता एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मानिक बता व्लॉग्स रूबी रूबी यो बेबी। आज इंट्रोडक्शन में ही रूबी। और आज एक और चीज़ है कि कुछ स्पेशल पर्सन आए दिल्ली से, आई है अंजू मासी और डॉक्टर हिमांशी। डॉक्टर हिमांशी मतलब सिस्टर है मेरी, लेकिन प्रोफेशन से तो है डॉक्टर। कहा रहे कि डॉक्टर साहिबा सुस्ती आ रही है रूबी को, इनको घुमाने ले चलो। ऐसे मत बनाओ मेरे को, ऐसे क्या देनी चाहिए, कैसी वीडियो नहीं चाहिए, क्या बोल गई मम्मी, कैसी वीडियो नहीं चाहिए। कैसी वीडियो नहीं चाहिए, समझा नहीं मैं। अरे मतलब आज इतनी लेट हो गए ऐसे। और बात है, हेलो डॉक्टर साहिबा। लेकिन माजी फोटो नहीं हो रही, वीडियो बन रही है। चलो फिर। नहीं नहीं, तो डिसाइड हुआ है डिनर करने का, डिनर तो करना ही है। जा रहे हैं पैडलर्स, यमुनानगर में पैडलर्स है सबको पता है, जहाँ पे ऋषभ और नंसे की हुई एनिवर्सरी जिस व्लॉग में आपने देखा था, उसी रेस्टोरेंट में करने जा रहे हैं डिनर। तो निकल रहे हैं डिनर के लिए क्योंकि ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं, निकलना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो हे फ्रेंड्स, कैसे हो। व्लॉग कल का मैंने छोड़ा था, इस करके मैंने क्या बोलते हैं उसको एंड नहीं करा, आज एंड करूँगा। लेकिन एंड करने से पहले एंड तो हाथ में क्या करूँगा, अभी तो व्लॉग बनाऊँगा। एक है सरप्राइज जो मुझे पता था आना है, बट ये नहीं पता था अब आ जाएगा। बाकी तो सारे गए हैं कल, मासी हिमांशी मम्मी ध्रुव रूबी धनितिका। और जो सरप्राइज है ये है डबल फ्रिज मार्क कंपनी का, कोई मैं सामने से दिखाता हूँ। तो ये है फ्रिज कुछ इस तरह, ये पुराने वाला फ्रिज है। आप भी बेटे यहीं रहोगे, आप कहीं जाओगे नहीं, घबराओ मत। बट ये फ्रिज दिस वन, ऐसी गलत खोलूँ मैं, ये दिस वन। अभी इसको आया तो यूज़ तो उसे बाद में करेंगे अभी तो, बट क्योंकि एक ये है एक अपना ये है। तो कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा लग रहा है फ्रिज, अच्छा ही लग रहा है, अच्छा क्या बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा है, बड़ा भी बहुत है। तो बाकी थोड़ी देर में शाम का देखेंगे क्या प्लान है, तो उस हिसाब से करेंगे। ये देखो सामने मिरर भी है, थोड़ा थोड़ा मैं भी नज़र आ रहा हूँ ब्लॉगिंग करता हूँ इसमें। तो बस खाना खा लेता हूँ उसके बाद देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या करना है, क्योंकि अभी तो ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है कल परसों का। कल में कुछ नहीं था, कल में तो सिर्फ एक हुआ तुमको बताया, यही ये जो है सिर्फ यही था। इसके अलावा रात को कुछ नहीं रहा जो मैं ऐसा कुछ ब्लॉगिंग शूट करता। आज है, आज एक्चुअली प्लान हो गया सडन चेंज। पहले प्लान था कि दोपहर में टीनू और कल के कालम के मैंने बताया था, तो
था कि वो अपना कलाम से यहाँ आएंगे दोपहर में और हम निकलेंगे नीलोखड़ी के लिए मासी को छोड़ने के, लेकिन अब प्लान में तब्दीली है, अब मेरे को जाना पड़ रहा है कलाम। कलाम से वहाँ कहीं है आगे कुछ छोटा मोटा सा कोई फंक्शन भी है या कुछ है जो वो अटेंड, मतलब कि शहर को घूमने का प्लान है या कुछ है, तो उसके लिए अब निकल रहे हैं कलाम। मैं निकल रहा हूँ और कोई नहीं निकल रहा है, मैं कल्ला निकल रहा हूँ। निकलूँगा ध्रुव की KTM पर और वहाँ जाऊँगा कलाम, फिर वहाँ से आगे शहर कहीं जाना है। तो फिर आज पहाड़ी ब्लॉग आने वाला है, पहाड़ में ब्लॉग शूट होगा तो बने रहना। अब सीधा मिलूंगा कलाम, क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग मैं करूँगा, सीधा कलाम मिलूंगा। वाला देख रहे हो कैसी हो चुकी है हेलमेट डाल के पहलू की, तो कलाम में कर चुका है एंट्री। दिखाते हैं आपको सामने है कलाम सारा का सारा, ये पहाड़ दिख रहे हैं। और अब ले चलते सीधा घर के अंदर। हेलो 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 गाइस, हेलो भैया, हाँ जी ठाकुर साहब, हेलो अधर, ओए हेलो, ये तो बिजी है अपने। अरे वाह बच्चे, हेलो 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 आप रूबी, ओ रूबी क्या बदतमीजी है ये, अब तो आ गया आप। मासी नमस्ते, चाची नमस्ते, हेलो हेलो, क्या हो गया ये, क्या हो गया चाचू बेटा मैं इसको आने देखा पहली बार मैंने, तुमने भी हेलो। अच्छा गली रेडी कौन सी, कहाँ लेके जा रहे हो फिर? जमटा, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। हिमांशी फर्स्ट टाइम जा रही है, बाकी ये घोड़ू को जाते रहते हैं, घोड़ू मतलब गोरू। तो निकल रहे हैं गाड़ियों में जमटा के लिए। तो ये रही KTM अपनी, जिसे मैं चला गया और कमर की बैंड बजा हो गया है। तो ये जितनी भी दुकानें हैं, अद्दू का है, हाँ गाड़ी में ही है। तो ये बेसिकली सारा का सारा माल है गोरू, ये सारा का सारा माल गोरू और का है। बेसिकली 8-10 दुकानें हैं ये सारी, ये गोरू की है। तो ये एक जगह है रास्ते में जिसका नाम है आमवाला, आमवाला जगह का नाम है ये नान रास्ते में आता है। और ये जो अपने प्रिंस भाई खड़े हैं ना सामने मेरे मासी जी के लड़के, और गोरू, इन दोनों का है ससुराल यहाँ पर। ये नीचे जो सामने गली दिख रही है नीचे आते, तो वहाँ पर है ससुराल। ये देखो आइटन, अपनी आइटन आ रही है, ये ध्रुव आ गया आइटन ले गया। नहीं नहीं तो अभी अब है नहान, ये देखिए नहान की तंग गली है, गली वो आगे और उससे पीछे प्रिंस, बीच में ये बदल, ये भी रिश्तेदार बनी हुई है। तो पहले याद अभी उड़ी है ना, अभी यहाँ पे थोड़ी देर में मस्त वाला व्यू दिखने वाला है, मस्त वाला। क्या नंबर लिया अपने, 30-85। शायद आई थिंक यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल यही है ना, किसी का चला गया भाई पीछे, इसी रोड पर था। क्या जल्दी है क्या ITI वगैरह है? तो ये देखिए सामने व्यू, इधर इधर पेड़ों के पीछे बढ़िया वाला। तो कुछ बोल रहा है, खाली भी जिला दिया है, भी बात है, ब्लॉगिंग कर रहा सर। अब पहुंच चुके हैं हम लोग हिमाचल के सीन वादियों में। यस, तीनों गाड़ियां साथ साथ चलती हुई, बिल्कुल हमारे आगे हमारे अभिनंदन जी पायलट प्रिंस जी, आगे दूसरे नंदन जी, हमारे नंदन जी, हेलो कॉल कर रहा लोग
करते रही हेलो बेटू हेलो जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए नया हमारा बच्चा बाय बाय करता हुआ हमें पंच। अब थोड़ी देर के लिए ब्लॉगिंग का जिम्मा लिया गौरव ठाकुर ने लिया जिम्मा ब्लॉगिंग का, तो अभी की थोड़ी देर की ब्लॉगिंग होने का जुबानी ये बाकी कंपनियों के फेस पे एक तगड़ा पंच। इस बजट में इस सेगमेंट में आपको ये गाड़ी कोई नहीं देगा अपनी गाड़ी की मजबूरी कर रहा है। चलो बढ़िया तो भाई ये कौन आ गया गलांजा लेके टोयोटा। ये हमारे बीच में देखिए मारुति की रिपैचिंग प्लानों का गलांजा है जंगीरुंग जगह का नाम है। और ये भी यार ओकले कोल्ड ड्रिंक वगैरह गिनी क्या तो ये नजर भी ये देखिए पहुंच चुका है जमटा। लुक एट दिस नीचे खाई कितनी गहरी और ये सारा का सारा सामने पहाड़ी इलाका। और ये अपने अद्दू घर और वो रही अपनी सारी फैमिली लेडी को। तो ये रही अपनी सारी फैमिली जो जा रहे हैं ऊपर शादी। कहाँ जाना ऊपर काफी ऊपर है। और ये बेटी पैदल से ये रास्ता देखिए क्या जबरदस्त है। ये ऊपर है ग्रैंड व्यू रिजॉर्ट, ये रिजॉर्ट है देखिए बोर्ड पढ़ो। और नीचे ये देखिए भाई क्या प्यारा सा रास्ता जा रहा है, मतलब कि जबरदस्त। पहाड़ों की ना अपनी खूबसूरती बहुत रहती है देखिए आप सब जबरदस्त। और ख़ास तौर पे ये जो पहाड़ पेड़ होते हैं चीड़ के पेड़ कहते हैं थिंक इनको जबरदस्त माइंड ब्लोइंग। हेलो पिक्स नहीं होता है ये नहीं उधर जबरदस्त है वी लोग। वो देखिए सामने ये क्या नहाना है वो सारा वो सामने अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो दिख रहा है कितना जूम कर रहा हूँ मैं। ये सारा सामने वाले पहाड़ पे सारा नहाना है यानी एक पहाड़ है दूसरे पहाड़ के लिए आपको 15 से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। यू नो रास्ता रोमांचक जो एडवेंचर होता है इसी में ही होता है ना यार। तो बहुत बहुत जबरदस्त व्यू है यहाँ का जैसे मैंने दिखाया सारी तरफ पहाड़ पहाड़। और ये पीछे सर ये रोड देखिए ना इतनी ऊंचाई पे है एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी निकालनी बहुत मुश्किल है यहाँ से। तो सीरियसली बहुत ज़बरदस्त व्यू है जबरदस्त। बाकी रिजॉर्ट में भी वेटिंग होती है मुझे आज पता लगा क्योंकि जो इससे पहले सिरमौर रिजॉर्ट था वहाँ पे जगह नहीं मिली। और अब ये जो ग्रैंड व्यू रिजॉर्ट है जो ऊपर दिख रहा होगा आपको जो ऊपर 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 ये जो ऊपर सामने दिख रहा है ना वो है ग्रैंड व्यू रिजॉर्ट। वहाँ पे भी हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे किया वेटिंग। तो देखते हैं आधे घंटे बाद जाएंगे ऊपर ऐसा क्या है कि क्योंकि आज ये अभी इन्होंने बताया कि अपना सारा हरियाणा पागल हो जाता है क्योंकि वो वीकेंड होता है तो सारे के सारे नहान जमटा आगे रेणुगा जी ये सब के सब निकलते हैं वहाँ पर। तो अच्छी बात है घूमना चाहिए टाइम लगे तो घूमो अपने पास तो बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है टाइम। तो यहाँ का व्यू बेस्ट व्यू ये अच्छा व्यू है मतलब पहाड़ों में जो खूबसूरती होती है वो देखने बनती है और वो है। तो ये है कुछ इस तरह का ग्रैंड व्यू रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल अभी अच्छा लग रहा देखने में। ये इस व्यू की बात करते हैं पहाड़ी इलाके में अगर वे ये प्यारा सा व्यू ना मिला तो पहाड़ी इलाके ना घूमना दूरा रह जाता है। ये देखिए वेरी गुड क्या व्यू है अल्टीमेट व्यू। अगर आप लोग भी विजिट करना चाहें तो नहान से ऊपर शिमला रोड पर पड़ता है ना जमटा यहाँ पे आइए और घूमिए बेटा ध्यान से। ये का तो झूले भी हैं बहुत सारे झूले हैं बहुत सारे अनाया। तो ये भी एक रिजॉर्ट का एक हिस्सा है जहाँ पर ये एडवेंचर है बच्चों का एडवेंचर है। ये झूले और ऊपर एक और है ये क्या है बोला ये भी कुछ है ये बच्चा चल रहा है ऐसे कुछ एडवेंचर है। हेलो अनाया मांझी थोड़ी सी आके खाई भी है ध्यान से बस है मांझी मैं आके खाई भी है ध्यान से
ये कुछ रेस्टोरेंट है यहाँ का, क्या है जगह का नाम ही बोल गया, कौन सा रिजॉर्ट है? ग्रैंड व्यू रिजॉर्ट। ग्रैंड व्यू रिजॉर्ट का है ये रेस्टोरेंट, और यहाँ से कुछ है लोकेशन बाहर का ऐसा। तो आप रेस्टोरेंट से बाहर निकलोगे तो ये व्यू है बाहर का। एक स्पून ले लियो बाद में। अब कितने पैसे दे के पहले खाने के, ये बताओ कितने पैसे पे कर रहे हैं? सब कुछ बढ़िया है जो मैं ऑलरेडी बता रेस्टोरेंट का, लेकिन एक्सपेक्टेशन बताई है कि पहाड़ पे आपको बहुत टेस्टी फूड की एक्सपेक्टेशन नहीं मिल होनी चाहिए। मिलता है खाना, सही मिलता है। अब आप ये मेरे तरह हरियाणा या पंजाब से आप बिलोंग करते हो, वहाँ का खाना आपको पता है, बट आप सोचोगे पहाड़ों में या हिल रिजॉर्ट या हिल स्टेशन में ऐसा खाना मिले तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, ओवरऑल खाना ठीक सही था इस रिजॉर्ट का। बाकी रिजॉर्ट ये नहीं मैं कहता कि इस रिजॉर्ट का ऑलरेडी आपको पहाड़ों में ऐसा ही मिलेगा, बट ओके सही है। बट रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत है, जैसे मैंने दिखाया, स्विमिंग पूल है, बच्चों के झूलने की एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, मतलब कि तो आप जरूर विजिट करिए यहाँ पर एक वीकेंड में। जो आसपास के हैं, जमटा है ये, इसकी जो लोकेशन है वो ये है कि जब आप कालाम से ऊपर आता है नाहन, और नाहन से कटता है शिमला रोड, उस रोड पर है ये जमटा। वाओ, फाइनली घर पर आ चुके हैं। तो बेसिकली ये ब्लॉग 3 दिन का ब्लॉग है, इसमें पहले ब्लॉग में हमने देखा कि मासी डॉक्टर साहब आ रखे हैं, तो हम गए थे वहाँ पैडलर्स, डिनर किया जो विदा क्लब के अंदर। देन कल कुछ नहीं था, कल जस्ट वो जो एक बस बड़ा सा फ्रिज आया वो दिखाया, ऐसे उसमें कुछ शेयर करने वाला नहीं था, लेकिन चलो आया तो आपके साथ भी शेयर होना चाहिए। जो था वो आज था कि आज ऐसा ही रहता है कि पहले प्लान कुछ और था, नीलोफड़ी जाना था, बट वो कैंसिल हुआ, और उसके बाद मैं यहाँ से गया कलाम, कलाम से हम सारे गए फिर जमटा। जमटा जो एक अच्छा एक हिल रिजॉर्ट है, वहाँ पे दो रिजॉर्ट है, हम एक रिजॉर्ट में गए थे ग्रैंड व्यू रिजॉर्ट करके, ये पड़ता है नाहन से शिमला की रोड के ऊपर, और अच्छा वो था खाना। बेसिकली हम कोई फूड ब्लॉगर नहीं, आज ले रिव्यू मैं बता चुका हूँ बहुत से, लेकिन जो पर्सनल रिव्यू था वो अच्छा नहीं था। लेकिन क्योंकि आप जब पहाड़ी इलाकों में जाते हो तो आप खाने के टेस्ट का बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि हम तो यहाँ के खाने में और पहाड़ के खाने में बहुत फ़र्क होता था। चलो इसके अलावा जगह अच्छी, अगर आप फैमिली के टाइम एक शांति सा वीकेंड स्पेंड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह आप जाइए वहाँ पर। तो अब ब्लॉग को करता हूँ एंड, तो जाने से पहले ये कहूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको करना लाइक, कमेंट एंड शेयर, अगर चैनल पर नए तो उसको करना सब्सक्राइब, इसके अलावा अपने आसपास सफाई बना के रखना, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, इसके अलावा अपना ख्याल करना, अपने माँ बाप का ख्याल करना, अपने घर वालों का ख्याल करना, इसके अलावा डू व्हाट यू वांट। तो बाय, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल, बाय, ब्लॉग को करता हूँ।